बेल के कांटों का ये झूला, और इस झूले को आप बहुत ध्यान से देखें, समझें कि ये किस तरह से बनाया गया है। दरअसल इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है बस्तर के दशहरे में। इसी बेल के झूले में बैठकर काछन देवी राज परिवार के सदस्य को बस्तर का दशहरा मनाने की अनुमति देती है। काछन देवी की जो रस्म और परंपरा है उसकी जानकारी मैंने आपको काछन देवी रस्म के तौर पर बताई थी। उस दौरान कई दर्शकों ने इस बात का जिक्र किया था कि काछन देवी जिन पर आती हैं उनसे भी बात की जाए और इस परंपरा को और थोड़ा सा डिटेल में बताया जाए। तो इस झूले से मैं आपको ये कहानी बताना शुरू करता हूँ। और ये काछन गुड़ी है जहाँ काछन देवी की मूर्ति है अंदर में, और यहीं पे दशहरा शुरू होने से पहले वो बच्ची आती हैं जिनके ऊपर काछन देवी आरूढ़ होती हैं और उनके पुजारी हैं, और इनके क्या रीति रिवाज हैं इन सभी पर हम बातचीत करेंगे। और सबसे पहले आप देखें, ये अनुराधा जी हैं, यही वो बच्ची हैं जिन पर इस बार दशहरा की अनुमति देने के लिए माँ काछन देवी आई थी, सवार हुई थी, और फिर इन्होंने ही कांटे के झूले पर बैठकर राज परिवार के सदस्य कमलचंद भंजदेव को बस्तर का दशहरा मनाने की अनुमति दी थी। ये गुड़ी के अंदर आ जाते हैं। गुड़ी के अंदर मैं आपको बताऊं कि ये जो दरवाज़ा है जिसे काले रंग से पोता गया है, बताया जाता है इसके अंदर माँ काछन देवी की मूर्ति है, लेकिन उसे खोलने की अनुमति किसी को भी नहीं है। केवल वो बच्ची अंदर जाती है जिनके ऊपर माँ आरूढ़ होती हैं, और पुजारी, हमारे साथ पुजारी भी हैं, पुजारी जी से भी बातचीत करेंगे, जो अनुराधा हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। यहाँ बैठ जाते हैं। दादा, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है बस्तर टॉकीज़ में हमारे। और हमारे दर्शक जो है, जब काछन यात्रा जब हुआ था तो उस दौरान बहुत लोग का ये कहना था कि काछन देवी को थोड़ा सा और डिटेल में बताया जाए। कुछ लोगों का विवाद भी था, मैंने कुछ लोगों से बातचीत की थी तो उन्होंने बताया कि ये महाराज जाति की कुल देवी हैं काछन देवी, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि नहीं, इसमें मिर्गान और पनका जाति का वो भूमिका है। तो आप तो यहीं के पुजारी हैं काछन देवी के, तो आप थोड़ा सा ये मुझे बताएं कि काछन देवी कौन हैं और किसकी कुल देवी हैं, क्यों राजा इनकी पूजा करते हैं, और क्यों काछन देवी ही, जबकि यहाँ तो माँ दंतेश्वरी भी हैं और भी देवी मावली माता भी हैं, तो काछन देवी से ही क्यों आखिर ये परमिशन लिया जाता है, मतलब अनुमति ली जाती है बस्तर दशहरा को मनाने के लिए, इनकी क्या भूमिका है? जी, मेरा नाम गणेश दास मानिकपुरी है, मैं काछन मंदिर का मुख्य पुजारी हूँ और तीन सहायक पुजारी लोग हैं जी। अब राज परिवार से तो मैं पता चला है कि घर परिवार वाले बताए हैं कि कोई सन में या कोई राजा को बच्चा नहीं हो रहा था। अच्छा। तब हमारे पूर्वज थे जो भी सिरा उरा गुनिया उनिया थे, तो उनको बुलाए और हाथ पकड़ाए मैंने, तो क्या एक बकरी के सींग में बांध दिए धागा को, और हमारे जो पूर्वज थे उनको पकड़ाए, तो वो बोले रानी का हाथ है कि किसका है बोल के पूछे, तो पकड़े तो जान गए, नहीं ये तो जानवर का हाथ है बोल के बता दिए, तो विश्वास हुआ उनको राजा को, तो रानी को फिर पकड़ाए, तो फिर वो बताए कि हाँ इनको होगा बच्चा बोल के वो बताए, तो ठीक है, राजा भी बोले कि ठीक है आपकी कुल देवी को मैं मानूंगा, अगर बच्चा हुआ तो फिर उनको बच्चा हो गया, तब से मान्यता चले आ रहा है, तब से काछन देवी को माना जाता है राज परिवार के द्वारा। वो कौन राजा थे, उनका नाम याद है? पता नहीं उनका नाम। अच्छा। तो मेरे को मालूम नहीं। आप यहाँ कब से पुजारी हैं? ये 1991 से हूँ। आप 1991 से हैं, इसके पहले कौन? पहले मेरे पिताजी थे। अच्छा, मतलब ये परंपरा चली आ रही है, उससे पहले दादाजी थे। अच्छा जी, मतलब आप ही के परिवार से पुजारी हैं काछन देवी के, प्रधान पुजारी के तौर पर, ठीक है। ये उसके बाद तो बस्तर दशहरा में फिर ये कैसे? हाँ, फिर राजा, फिर अनुमति मांगूंगा मैं बस्तर दशहरा में यहाँ आके, सबसे पहले उसके बाद दशहरा मनाऊंगा बोल के राजा बोले थे। अच्छा, जगतू महारा का कबीला हुआ करता था बोलते हैं जगदलपुर, तो जगतू महारा का कबीला था, तो काछन देवी उनकी कुल देवी? नहीं नहीं, उनकी कुल देवी नहीं। तो किस जाति की? अब यहाँ मिर्गान जाति का तो कोई है नहीं वंशज, अब उस समय रहा होगा तो पता नहीं, लेकिन जब से अभी पनका लोग कर रहे हैं तो पनका जाति के लोग ही कर रहे हैं। अच्छा। जो भी सन से हो, पता नहीं सन कौन सा सन से कर रहे हैं, तब से पनका जाति की लड़की की सवार हो रही है काछन देवी माँ। अच्छा। अब पनका जाति की पुजारी हैं, पनका जाति की लड़की की देवी आती है, अब मिर्गान जाति का वो लग गया है सुबेरे से, जो नाम तो उसी में चला आ रहा है, तो कोई महाराज जाति छाप दे रहा है, कोई मिर्गान जाति छाप दे रहा है,
तो कोई क्या कुछ ना कुछ पेपर में उल्टा सीधा छापते ही रहते हैं, पुजारी से कोई बात करते नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा। हाँ, हम लोग राजा साहब के पास भी शिकायत किए, वो भी बोले ठीक है करवा दूंगा, इसको बोले थे वो भी नहीं करवा पाए, तहसीलदार साहब को बोले वो भी नहीं करवा रहे हैं। मतलब कहाँ पे करवाना है, सुधार करवाना है? ये अपना जो सांस्कृतिक विभाग है उसमें नाम चढ़ा हुआ है, वहीं से नाम ठीक करवाना। वहाँ पे क्या चढ़ा है? मिर्गान, मिर्गान जाति। और मेन बात क्या है, महाराज जाति की लड़की को रैला देवी में चढ़ाते हैं देवी। अच्छा। वहाँ पर पनका जाति की पुजारी है। अच्छा। और लड़की महाराज जाति की है, वहाँ देवी बिठाते हैं। और यहाँ पे पनका जाति की पुजारी है काछन देवी में, यहाँ पनका जाति की पुजारी है और पनका जाति की लड़की को यहाँ पे देवी बिठाते हैं। अच्छा जी। तो जो रैला देवी है, रैला देवी की क्या कहानी है? हाँ, वो भी वहाँ पे बहन है बोलते हैं वो राजा साहब की कोई। अच्छा जी, रैला देवी का। तो लेकिन सबसे मुख्य जो है काछन देवी है। ठीक। अच्छा पुजारी जी, ये क्या चीज़ है? ये जगार होता है यहाँ पे। हाँ। इसको घुमरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घुमरा। घुमरा, हाँ, घुमरा। अच्छा। मड़का बोलते हैं। हाँ। इसमें जगार गीत गाया जाता है पूरा काछन गादी से 7 दिन पहले हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। अच्छा। तब यहाँ पूजा पाठ चालू हो जाता है, यहाँ पे 1 दिन देवी बिठाते हैं और रैला मंदिर में 1 दिन देवी बिठाते हैं। तो यहाँ कब तक आप लोग रहेंगे? अभी काछन यात्रा तक रहेंगे, इतवार को काछन यात्रा है। झूला उला उतारेंगे, बलि उली देने के बाद फिर दूसरा दिन विदाई हो जाएगा। अच्छा। तो यहाँ इतने दिन रहते हैं तो आप लोग के रुकने खाने की व्यवस्था कौन? हाँ, मंदिर में टेम्पल है, खाली दाल चावल का व्यवस्था करते हैं। तो अभी 2-1 साल हो गया तो सब्जी वब्जी के लिए भी पैसा दे रहे हैं। अच्छा। पहले केवल दाल चावल? पहले नहीं देते थे, पहले अपना ही खर्चा करते थे हम लोग। जब यहाँ से आप लोग वापस लौटते हैं तो पहले जब दशहरा हुआ करता था तो राज परिवार भेंट दिया करता था, तो अभी आप लोगों को भेंट में कुछ? अभी भेंट कुछ नहीं मिलता है, खाली चावल दाल यहाँ रहने का मिलता है तहसील से, और जो भी गाड़ी किराया है 200 रुपया श्रीन लड़की को दे देते हैं, 200 पुजारी को, और बाकी बस। अच्छा। यही है विदाई, और कुछ नहीं। अभी आप बता रहे थे कि ये आखिरी साल है अनुराधा का, कितने साल से अनुराधा? माई जी चाहती है तो फिर ये कैसे तय होता है कि किन के ऊपर? लड़की बड़ी हो जाएगी तो फिर नहीं बिठाते हैं यहाँ पे, फिर नई लड़की को लाएंगे। दूसरी लड़की किस पे आएगी, ये कैसे तय होगा? फिर पुजारी लोग, पुजारी जो है यहाँ पे, हाँ मुख्य पुजारी है, पुजारी घर वाले गुरुमाए लोग हैं जो गाना वाना गाते हैं वो लोग, फिर जो लड़की को बोले, हाँ वो लड़की को लाएंगे, फिर माई जी के साथ यहाँ बरवा करते हैं, तेल हल्दी शादी होता है एक प्रकार से। किसका शादी? कैसे? लड़की का। किससे होता है? देवी से। अच्छा, लड़की का देवी से शादी होगा। अंदर में तेल हल्दी चढ़ाते हैं। हाँ। फिर बाहर निकाल के यहाँ चढ़ाते हैं। हाँ। उसके बाद नहला धुला करके फूल उसमें रखते हैं और माई जी का वो आसन से जो लाते हैं उसको फिर पकड़ा के वहाँ पे क्या फेरा करवाते हैं। अच्छा। मंडप बनाते हैं एक छोटा सा। अच्छा। उसमें फेरा कराते हैं तो वहीं पर लड़की की देवी चढ़ जाती है। ये हर साल नहीं होता? नहीं, हर साल नहीं। जब बदलती है? हाँ, जब लड़की बड़ी हो जाती है तब फिर बदलते हैं लड़की। जो नई लड़की आती है उनके साथ एक, हाँ उनके साथ यहाँ पे वो छोटा एक शादी विवाह। अच्छा। टाइप का करते देवी हैं। जी। देवी, ये दरवाजा क्यों नहीं खोला जाता पुजारी? अब ये तो राजा साहब की समय से ही है। तो राजा साहब वहीं से आके अंदर नहीं जाते? नहीं, कोई नहीं। आज देखे भी नहीं है कि कौन किसका मूर्ति है क्या है। अच्छा। वहीं से अनुमति मांगते हैं और वहीं से चले जाते बाहर से। जी। और वो राजमहल से पूजा सामान वामान आता है जो भी काछन गादी दिन, वो भी वो बाहर से देते हैं, वहाँ के जो कार्यकर्ता है वो लोग ला देते हैं। अच्छा जी। तो ये गाना कब इस पे जगार गाया जाएगा अभी और आगे? अभी काछन यात्रा के दिन गाएंगे, जिस दिन देवी बिठाएंगे माई जी को यहाँ पे। वो भी पनका जाति की है जो? हाँ, पनका जाति की, यानी सब कार्यकर्ता पनका जाति के हैं, वहाँ पर भी यहाँ पर भी, मात्र वहाँ लड़की रैला देवी में महाराज जाति की लड़की को बिठाया जाता है। अच्छा जी। और मिर्गान जाति का कोई अस्तित्व? मिर्गान जाति का कोई अस्तित्व नहीं है, ना हमारे रिकॉर्ड में नहीं है, ना कुछ नहीं है। ये सांस्कृतिक त्रुटियां हैं जो सरकारी कागजों में, वो लाला जगदलपुरी जी ने अब कौन बताया कौन समय में बताया, वो जब लिख दिए हैं तो वैसी चले आ रहा है वो। देखिए, संस्कृति से जुड़ी बातों के इतिहास में बहुत सारी चीज़ें इस तरह से बदल जाती हैं। हालांकि ये प्रधान पुजारी हैं अभी काछन देवी की, और इन्होंने जिस तरह से बताया कि कोई बोलता है कि महाराज जाति की कुल देवी हैं, कोई बोलता है कि मिर्गान जाति की हैं, लेकिन इनका ये कहना है जो यहाँ के प्रधान पुजारी हैं कि भाई ये पनका जाति की कुल देवी हैं काछन देवी। और अनुराधा, आई अनुराधा जी बैठिए, ये अनुराधा हैं, ये वही अनुराधा जिनकी तस्वीर आपने पहले देखी होगी, इनके ऊपर काछन देवी माँ काछन देवी जो है वो आरूढ़ होती हैं। आज बीते 6 वर्षों से अनुराधा के ऊपर ही आ रही हैं, और उम्मीद है कि आने वाले साल में अगर इनके ऊपर आई या तो फिर एक नई बच्ची हैं, वो बच्ची भी है, मैं अभी आपको उनको भी दिखाता हूँ, जिनके ऊपर पुजारी जी ने बताया कि अगर अनुराधा के ऊपर माँ नहीं आती हैं तो अगली बार जो है एक दूसरी बच्ची है जिसका चयन कर लिया गया है। तो अनुराधा,
अंदाजा ये बताइए कि आपके ऊपर 6 साल से माँ काछन देवी आ रही जी। तो आप बेल के कांटा वाला झूला में बैठती हैं तो कुछ समझ में आता है, गड़ता उड़ता है? नहीं। कैसा लगता है जब बैठती हैं तो? पता नहीं चलता। तो और इस दौरान पूरे नवरात्रि में आप उपवास भी रहती हैं? नहीं रहती। अच्छा, नवरात्रि से एक सप्ताह पहले उपवास रहते हैं, फिर रोज देवी बिठाते हैं यहाँ पे लड़की को। अच्छा जी, काछन गादी दिन तक। नवरात्रि में उपवास नहीं रहते? नवरात्रि में नहीं रहती उपवास, नवरात्रि में पुजारी रहते हैं, पूजा पाठ अंदर चलता है। और 6 दिन पहले से उपवास? कितने दिन? 7 दिन। 7 दिन रहती है, काछन गादी दिन 7-8 दिन होता है। तो उसको कौन सा उपवास बोला जाता है जो ये रहती है? आप देवी बिठाते हैं अभी माई जी के, उसमें उपवास रहते हैं। 7 दिन उपवास रहेंगे जी। ठीक है, तो जिस तरह से आप लोग 9 दिन का उपवास जो नवरात्रि में करते हैं, तो वो बच्ची जिनके ऊपर माँ काछन देवी आरूढ़ होती हैं, वो काछन देवी से 6 दिन पहले से ही उपवास शुरू करती हैं। और काछन यात्रा के दिन शायद उपवास खत्म, यात्रा के दिन उस दिन उपवास रहेंगी। हाँ, उसके अगले दिन से उपवास खत्म होता है। ठीक, तो अनुराधा तो 6 साल से हैं, तो कोई कुछ फर्क पड़ा या कुछ समझ में आता है? कुछ नहीं, की कुछ पता ही नहीं चलता। नहीं पता चलता। तो कुछ अलग एहसास होता है जब देवी आती है, तब कैसा लगता है आपको? इतना समझ में आता है कि लोग लेके जाते हैं कांटे के झूले में बैठाते हैं, कुछ याद नहीं रहता? नहीं। कुछ भी याद नहीं रहता उस दिन? 6 साल से आप हैं, स्कूल जाती हैं आप? कौन से कक्षा में पढ़ती हैं? सेवेंथ में पढ़ती हैं। तो स्कूल में जाती हैं तो वहाँ सबको पता होगा आपके ऊपर काछन देवी आती हैं, तो वहाँ सब लोग क्या सम्मान से देखते होंगे? कि गुरु जी लोग डांटते वाटते हैं क्या? नहीं डांटते हैं, सब बोलते हैं काछन देवी है ना। अच्छा लगता है, कैसा लगता है मन में कि माँ आपके ऊपर आती हैं? अच्छा लगता है। तो अच्छा, ये है ना पुजारी जी, ये जो पुजारी जी बता रहे हैं कि ये जो छोटी सी बच्ची हैं, अगर इनके ऊपर अब अगर काछन देवी नहीं आरूढ़ होंगी अनुराधा के ऊपर, तब इनके ऊपर आएंगी। बहुत छोटी सी। भैया क्या नाम बेटा आपका? पीहू। पीहू, स्कूल जाती हो आप? हाँ। कौन सी कक्षा में? फर्स्ट में ना बेटी? यूकेजी। यूकेजी में हो? कहाँ, कौन से स्कूल में जाती हो? विद्या ज्योति में जाती हूँ। ये पीहू हैं, यही जगदलपुर में रहती हैं। हालांकि इसके पहले विशाखा की एक बच्ची जिनके ऊपर माँ काछन देवी जो आरूढ़ होती थी, पुजारी जी विशाखा के ऊपर कितने साल आई थी माँ? 7 साल। उनके ऊपर 7 साल और इनका भी 6वां साल है। तो उम्मीद है कि 1 साल और माई जी अगर कृपा करेंगी तो फिर। तो ये कैसे तय करते हैं कि अब ये बच्ची के ऊपर आएंगे? लड़की बड़ी हो जाती है तो फिर हम लोग चुनाव करते हैं। मतलब वही कैसे चुनाव करते हैं, मतलब पीहू को ही आपने बताया कि? हाँ, चुनते हैं यार, लेकिन लड़की को हम लोग देख के लाते हैं यहाँ पे। हम लोग अभी देवी के साथ बरवा करेंगे, अगर देवी सवार होगी तो फिर इन्हीं को बिठाएंगे, अगर नहीं होगी तो फिर दूसरी बच्ची को देखेंगे। अच्छा, वो तो पूरा प्रक्रिया आपने? जी ये प्रक्रिया है दूसरी बच्ची को चुनने का, कि यहाँ लाके जो प्रक्रिया पंडित जी ने बताई पुजारी जी ने कि किस तरह से विधि विधान से पूजा पाठ और इनकी देवी से शादी करवाई जाए, और उस दौरान अगर माँ इनके ऊपर आरूढ़ होती हैं तो फिर ये बात है कि माँ ने इनको चुना है। असल में ये पुजारी या ये परिवार नहीं चुनता, माँ चुनती इनको, और तब ये बात क्लियर होता है कि अब जो है अगली जो काछन देवी है वो किन के ऊपर आएंगी। तो बस्तर की ये कहानी है काछन देवी को लेकर। आप लोगों ने जिस तरह से कहा था कि उसको और थोड़ा सा विधिवत बताऊं, हालांकि बहुत छोटे से वीडियो में मैंने कोशिश किया है, और काछन देवी पे और भी कुछ नई कहानी होगी तो वो भी मैं आपको बताऊँगा, लेकिन ये भी एक इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा बस्तर के आदिवासियों का एक कहा जा सकता है कि माँ दंतेश्वरी और अपने विधि विधान और काछन देवी को लेकर एक अगाध श्रद्धा है। अभी श्रद्धा ये है कि देखिए कि इनको कोई विशेष तनख्वाह नहीं दी जाता, केवल चावल और दाल दिया जाता है, और राज परिवार का जब चलता था दशहरा में उस दौरान भेंट भी दिया करते थे राजा, पुजारी जी ने बताया। लेकिन समय बदल रहा है, अब जिला प्रशासन ने इसे अपने अधीन ले लिया है, और जिला प्रशासन ने अपने अधीन ले लिया है तो बहुत सारी परंपराएँ अब विलुप्त होती जा रही हैं। बस्तर का दशहरा विश्व प्रसिद्ध है और अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, लेकिन अब आप सोचिए कि ये जिला प्रशासन के हाथ में आ गया है तो एक सरकारी कार्यक्रम होता जा रहा है, जिस वजह से बहुत सारी चीज़ें, अगर आप जो लोग स्वस्फूर्त आ रहे हैं इस परंपरा का निर्वहन करने के लिए, और जब आप उनके साथ नहीं खड़े होंगे तो कितने दिन अपना घर द्वार छोड़ के आएंगे? दशहरा काछन गादी से 7 दिन पहले से परिवार यहाँ पर हैं, और काछन यात्रा के दिन ना पुजारी जी कब जाएंगे काछन यात्रा? काछन यात्रा होगा फिर उसके दूसरे, काछन यात्रा होगा नवरात्रि के बाद, तब ये परिवार झूला उतार कर वापस जाएगा। और
इस दौरान इनको घर जाने के लिए 100-200 रुपये किराया दे दिया जाएगा। तो अगर आपको अपनी पुरानी परंपरा को बचा कर रखना है तो मुझे ऐसा लगता है कि जिला प्रशासन को, अगर जिला प्रशासन ने ये जिम्मेदारी ली है कि बस्तर के दशहरे का सारा खर्च उठाया जाएगा, आपको बताऊं नया एक जानकारी ये मिला है कि NMDC तो लगभग 50-60 लाख रुपए कुछ देता है ना दादा, कुछ पैसा NMDC देता है शायद, तो खैर इनकी जानकारी नहीं है। 50-60 लाख रुपए अभी कुछ जानकारी मिला था कि NMDC सिर्फ बस्तर दशहरा मनाने के लिए देता है, और बस्तर दशहरा की जो सबसे प्रमुख रस्म है काछन देवी की, इन लोगों को केवल चावल और दाल दिया जाता है। तो ये त्रुटियाँ हैं जो नए जमाने की हैं, पुराने लोग तो आज भी उस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं उसी तरह से, उसी सेवा भक्ति से और उसी श्रद्धा के साथ में। उम्मीद करूंगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप भी इस पर चर्चा करें और इस पर भी बातचीत करें कि जिला प्रशासन को इस पर क्या पहल और करनी चाहिए, और आपको बस्तर की अलग अलग रस्म रिवाज और खूबसूरती और चुनौतियों को इसी तरह से बताता रहूँगा। लगेगा कि बस्तर टॉकीज में चर्चा सही हो रही है, इन सब बातों पर चर्चा होनी चाहिए, तो आप बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।